मैं डिंकी आया मैं मॉल डिंकी से, मैंने कहा डिंकी चलो मैं आपको कुछ लेके देती हूँ। हाँ डिंकी, तो हम जा रहे हैं ये वाला स्टोर है अर्बन प्लैनेट, साथ ही है ओल्ड नेवी, देखते हैं तो इधर से कुछ देखते हैं अर्बन प्लैनेट में क्या मिल रहा है। और मुझे भूख लग रही थी तो हम नहीं है यहाँ से। चिकन स्पाइसी चिकन है, हनी गार्लिक है, मशरूम्स हैं और ये ब्रोकली, और यहाँ पे शुक्र है कि हलाल है सारा। ये वाला चिले ट्रक, चलो जी डिंकी। चलो मजे का है ना, बहुत मजे का। ये ब्रोकली अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और आडीन नहीं गाड़ी की हम चले, खुला है नो इट्स नॉट, ये ऐसे लग रहा पानी है डिंकी है ना। ओ वाकई कॉइन्स हैं सारे, नाइस। यहाँ पे मॉर्निंग है अभी, मैं बिल्कुल सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, और जिस तरह आप देख सकते हैं सुबह सबसे पहले सो के उठने के बाद मैं सबसे पहले अपना बेड ठीक करती हूँ, और जो कि मैंने किया है फ्रेशन अप होके फिर नीचे जाती हूँ। और ये वो कपड़े हैं जो कि मैंने कल लॉन्ड्री की थी, अब आज ये भी थी, अब आज इनको हैंग करूँगी और बाकी कुछ लॉन्ड्री है वो करूँगी, तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब नीचे जाके मैं चाय वाय बना के तो स्टार्ट करूँगी अपना डे। इस वक्त यहाँ पे सुबह के क्या टाइम हो रहा है, 10 बजे। आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आज मुझे कोई काम नहीं था ख़ास, और मेरा क्योंकि जेट लैग चल रहा था इतने दिनों से, तो बस वो नींद रात की ऐसी हो रही थी, तो आज भी मैंने सोचा था कि मैं आराम से उठूँगी सुबह, और उठ के फिर नॉर्मल एक रूटीन हो जाएगी। सुबह उठी, उठ के फिर वो 5-6 बजे उठ के फिर दोबारा सो गई थी, तो अब उठी हूँ। अब मैं नीचे जाके चाय वाय अपने लिए बनाऊँगी और डे स्टार्ट करती हूँ। ऊपर यहाँ पर रूम्स होते हैं, फिर नीचे आके तरके नीचे जाना पड़ता है। सनी का ओके, चलिए मैं चाय बनाती हूँ फिर मिलते हैं आपसे चाय बनाने के बाद। और ये है मेरी चाय जो कि हो गई है, लेकिन मुझे ना अच्छी लगती है कि ज़रा अच्छी गर्म हो, इसलिए मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया है ताकि पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। मैं डालूँ इसमें, मैंने एक टी बैग डाला हुआ है और सिंपल बस पानी डाल के फुल कप भर के, और ये है मेरी सुबह की मॉर्निंग टी। और सुबह का नाश्ता, सुबह सुबह मुझसे बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया जाता, बिल्कुल भी नहीं, चाहे मैं सुबह जो सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे या लेट भी उठूँ तब भी मैं कुछ नहीं खा सकती। लोग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, वाकई करना चाहिए ज़रूर, लेकिन बस वो मुझे शुरू से आदत है कि मैंने कुछ खाया नहीं कभी सुबह नाश्ते में। तो सुबह जब पहले, जब शादी से पहले अम्मी दूध देती थी, दूध पी लेते थे, बस वो हमारा नाश्ता होता था, और कहती थी बहुत खा नाश्ता करके जाया करो स्कूल कॉलेज, लेकिन बस वो नहीं, वो जब से जो आदत पड़ी हुई है ना बस वही आदत है। तो अब मैं ये करती हूँ कि अब एटलीस्ट एक कोई चीज़ ले लेती हूँ, इस तरह का रस्क या कुछ भी, या उस पर चीज़ लगा लिया, बटर लगा लिया। लेकिन आप लोग ज़रूर किया करें नाश्ता, क्योंकि नाश्ता हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है करना सुबह का स्पेशली। लेकिन मैं फिर ना ये करने के बाद, खाने के बाद फिर मैं कोई 1-2 घंटे के, और मैं चाय पीऊँगी और ये ना खाऊँगी। न्यूज़ है यहाँ पर कि आज यहाँ दोबारा से स्नो स्टॉर्म आना है, आप हालत देख लें क्या हो रही है, स्नो ही स्नो हर जगह आएगा रात को 8 बजे।
उफ थक गए हम लोग स्नो से, बहुत ज़्यादा टू मच हो गया लमिया, बस कर बस सर्दी भी बहुत है, पूरी दुनिया में आगे कैसा वेदर हो रहा है, बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है वेदर, कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, यहाँ पे भी यही चल रहा है सारा। गाड़ी साफ कर रहे हैं। सर्दी है ना। हाँ जी सनी। वालेकुम सलाम। आप सब कहते हैं कि सनी को लाया करें व्लॉग्स में, सनी को लाया करें, ये देख ले मैं ले आई सनी को। सनी गाड़ी साफ कर रहा है और इतनी शदीद ठंड है यहाँ पे, स्नो है, बेचारे ने फुल अपने आप को कवर किया हुआ है। हाँ ये डियोर डियोर हेलो, कौन कौन हो गई सनी गाड़ी, अंदर आ जाना, फिर बात करेंगे। क्या करें, बस रिटायर यूट्यूब से, गाड़ियां साफ करो। किसी को अगर अपनी गाड़ी साफ करवानी है सनी, तो आप नंबर अपना ड्रॉप कर दें जी, हम गाड़ियां जरूर डालेंगे, सनी आ जाएगा साफ कर। ऑलराइट चलो, आज लग जाएगी आप। हां नहीं नहीं ठीक है, नहीं इतनी सर्दी नहीं है। मैं ना जबरदस्त किस्म की वो, मैं बड़ी अच्छी ये लेके आई हूँ कैंडीज, इमली कैंडीज। सनी बताओ, इमली कैंडीज बहुत टाइप है लेकिन हाँ। बहुत पड़ी हुई है वहाँ, लेकिन बड़ी जो जो यूएस में रहते हैं ना वो जरूर ये मंगवाएं। ओ मैक्सिकन कैंडीज, मैक्सिकन कैंडीज हैं हाँ, इतनी मजे की और इतनी एडिक्टेड है ना कि बस आप अगर एक दफा खाएंगे तो आपको दिल करेगा बार बार खाएं। है ना, दिखाओ ये वाली, दिखाओ ये देखें, ये मैक्सिकन कैंडीज हैं और पता नहीं नाम क्या है, रेलर इंडोस। हाँ लाइक बम। हाँ और ये भी देखें, ये वर्चुअली इमली कैंडीज होती है। अच्छा लोग सनी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कमेंट्स में नीचे, पिछले व्लॉग में ये लिखा हुआ कि सनी से बात करें, सनी को लेके आए व्लॉग में। थैंक यू गाइस, तो आपने मिस किया बहुत। आपने किया था सब, मैंने भी आप लोगों को मिस किया। हाँ सनी भी करता है, बस ये बिजी हो गया बच्चा मेरे, बिजी बॉय, क्या दिखाना चाहिए आप लोग। हाँ तो अच्छा रमजान आ रहा है, रमजान का आपका क्या प्लान है? मैं आज मील प्रेप कर रही हूँ, मैंने सनी को ये कहा मैं आपको भी प्रेप करके दे दूँ, तो ये मुझे मना कर रहा है। बड़ा अच्छा, मैं वो खैर शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाऊंगी, वो मैं इंशाल्लाह वो करूंगी। चलो फिर आप ठीक है, घबरा रहे ऐसे नहीं, मेरा बेटा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, माय बेस्टी, मेरी जान। आ रही हूँ मैं आपके रूम में, सब कहा था मैंने सफाई कर लो रूम की, क्लीनिंग डिंकी ने क्लीन किया रूम अपना, लेकिन अभी बेडशीट आपकी बिछने वाली है, मैं आ रही हूँ। चलो गार्बेज बैग उठाओ यहाँ से, ये देखें जरा ये अपनी तरफ से सफाई की, और क्या पूरी दुनिया को दिखाऊं कि डिंकी कितना ऑर्गेनाइज्ड है। वो भी उठाओ, वो देखो वहाँ के पड़ा है, वो उठाओ सर। चलो अब हम बेडशीट बिछा दें, यहाँ भी यही होता है सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये क्या है, तो खैर मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सफाइयाँ वगैरह बच्चे बेचारे खुद ही करते हैं। तो चलो मैं डिंकी की हेल्प कर देती हूँ, मैं इसकी बेडशीट अभी बिछाती हूँ। चलो आप ये हटाओ सारी चीज़ें ऊपर से, हम फिर इसमें बिछाते हैं। वहाँ कॉर्नर से उठाओ अपनी सॉक्स उठाओ, और वो क्या पड़ा है। ये सुबह मैं आप लोगों से जिक्र कर रही थी ना कि आज यहाँ पे बर्फ का तूफान आने तो स्टार्ट हो चुका है, सामने वाले घर में शायद अगर आप उस लाइट से आइडिया लगाए ना, उस लाइट से भी पूरा व्हाइट होगा।